Cushy. Bye. ये जोर भी तो कौन लग गया नहीं लगा दी धुंधी धुंध हो रखी हर तरफ तो धन्यवाद गाइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ भावना सिंह भाटिया, आपका मेरे चैनल फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, मैं भी बहुत ठीक हूँ। तो मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज का ब्लॉग दो गुड न्यूज़ से शुरू होने वाला है। तो पहली गुड न्यूज़ ये है कि मैं जा रही हूँ अपने घर अपने पियर, और मतलब मुझे एक साल हो गया है। बस बीच में एक बार गई थी 2-4 दिन के लिए जब भाई की सगाई हुई थी, और उसके बाद में मैं बीच में मेरा बिल्कुल भी जाना नहीं हुआ है, और उसके बाद में अब जा रही हूँ। तो मुझे एक साल से अभी ऊपर हो गया है। दिसंबर में आई थी, 9 दिसंबर को समथिंग आई थी, उसके बाद में दिसंबर भी गया, अब जनवरी आ गया। तो बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और सेकंड गुड न्यूज़ ये है कि मेरे भाई है जो, उनकी शादी फिक्स हो गई है और वो भी एक्साइटिंग है। मैंने शॉपिंग बहुत टाइम से पहले शुरू कर दी थी जब शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई थी, और अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी है और तभी भी शॉपिंग चालू है। लेकिन अब इसके बाद कुछ ब्लॉग आएंगे जो पहले के हैं, लेकिन मैं उनको ब्लॉग नहीं कर पाई थी, तो अब इसके बाद करूँगी। तो लेकिन है वो जयपुर के, सो आप एडजस्ट कर लेना थोड़े से मेरे ब्लॉग्स को। बीच में तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं कर पाई थी, जो भी है, लेकिन मैं इसके बाद आपको शेयर करूँगी। तो गुड न्यूज़ मैं आपको अभी बता देती हूँ कि शादी है, तो उसी की प्रिपरेशन के लिए मैं जा रही हूँ थोड़े दिन के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी मुझे बहुत सारे काम है। क्योंकि मम्मी पापा के मैं ही हूँ बड़ी, अब उनका बेटा बेटी सब बड़ा वाला, और वो दोनों भाई मेरे से छोटे हैं, तो मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो वहाँ का हो जाएगा, उसके बाद मुझे यहाँ कंटिन्यू और शॉपिंग करनी है। तो बस इसी सिलसिले में जा रही हूँ, और बहुत टाइम हो गया, मम्मी मुझे बहुत टाइम से बुला रही है, आ जा। तो अब बहुत मेरा भी ऐसा मन ऐसे हो गया कि नहीं, अब तो मुझे एक बार जाना है, क्योंकि शादी तक बहुत लेट हो जाएगा, और फिर शादी के टाइम में थोड़े दिन रुक के आऊँगी मम्मी पापा के पास में, तो तब भाई भाभियाँ भी हो जाएगी, तो उनके साथ भी। तो बस अभी इस ब्लॉग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट मिठाई लाने के लिए, और इस ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। और साथ में भाई भाभी मतलब बड़े पापा की लड़की जो दया है, उसकी वाइफ रोमिका, वो भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो बस बने रहिए ब्लॉग में, देखते हैं क्या क्या होता है। अच्छी है वो, ले लो, मुझे क्या पता, ये तो वाइट वाइट दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। गेवर का ही भाव है? हाँ पेड़ा ले लो। पेड़े क्या भाव है सर? गाइस इंसान के चेहरे को देखो कितनी चेंज जान का वो पीछे देख कर जा मैडम। खुशी गई तो रेलवे स्टेशन पे पहुंच गई मैं, वो दया भी शायद पहुंच गए, मुझे एक्सीलेटर देखना। सो स्टेशन पर पहुंच रही मैं, भाई ये वो मिले थे वो भी, वो तो कुछ संभाल लाने के लिए गए, वो मेरे का शर्मा बैठी होगी, मैं उनको सामान लेके जाना बहुत मुश्किल है, अकेले चले जाओ बढ़िया है। इससे ये इतना सामान, दो बैग, प्लेटफॉर्म नंबर 3, तुम्हें लेट भी नहीं है उस आगे, हैं? दिखा दे कितने पर?
मम्मी कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? पापा कहीं गया? बस ना ऐसे हो रहा अजीब सा मुँह, कुछ देखती हूँ। तो ये गाइस ये हमारी ट्रेन नहीं है, ये किसी और की ट्रेन है। इस ट्रेन के बाद जो ट्रेन है ये बुक होती है, तो तब तक हम थोड़ी देर और वेट करते हैं। जब आप ब्लॉकिंग में तो मतलब लोग ऐसे देखते हैं ना, पता नहीं क्या ही शूट आती है। ऐसे टेररिस्ट आ गया हो कोई रेलवे स्टेशन पे, ऐसे देखते हैं घूर घूर के, वो थोड़ा ऑड हो जाता है। हम वैसे ही इतना वो परफेक्ट नहीं है ब्लॉग शूट करने में, तो लोग ऐसे घूर घूर के और देखते हैं कि पता नहीं क्या शूट कर रही है, जैसे टेररिस्ट आ गया कोई। हाँ बावड़ी हो रही है, किसी को ढूंढ रही है। वो पीछे रोमिका जयश्री को लेके बैठी है, क्योंकि सामान ज़्यादा है। और देखो पीछे पड़ा वो जितना भी सामान दिख रहा है ना, वो सब हमारा है। मेरे तो खैर जो नीचे दो बैग पड़े वो है, बाकी सब रोमिका का सामान है। वेट करना मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, मतलब ईयरबड्स में उनके अभी तो मेरे जो पहले मेरे थे मैंने नए ले लिए, तो ये उनके हो गए और ये मैं गलती से पर्स में डाल के ले आई। तो अभी आशीष है वो ड्रॉप करने आया है स्टेशन पे, अभी वो दया और वो दोनों बाहर गए हैं, वो आ जाएंगे तो ये आशीष को दूंगी। वो ट्राई मगरती उठा ले, ठीक है बाय गाइस, ध्यान रखना, जयपुर को संभाल के रखना, हम 10 दिन में 15 दिन में आते हैं। खोलो खिड़की, बाय। कान बच्चा ट्रेन में कहाँ जा रहे तू? कहाँ जा रहे तू? बाहर निकाल, एक बार निकाल रही है, जोर भी तो खोल लग गया नहीं, बस के थोड़ी सी और मांडो तो लगा दी। आज हम जा रहे हैं अपने गांव मोहर, और ये ट्रेन का सफर है। आज हम गाने चल रहे हैं, और आई थिंक गाने चल रहे हैं मेरे। बाय गाइस, छोड़ दूंगा लगंदर हो गया मेरे फोन। बाय, हेलो, बाय गाइस, तू लाइट के फोकस में दिख नहीं रहा। हाय गाइस, मतलब बाय गाइस, हां to
स्टेशन पे वेट कर रहा है, ऐसे देख के मैं चुन गई क्योंकि बहुत ठंड लग रही है। और बहुत खुशी है कि मैं मेरे घर आ गई, बहुत खुशी है कि मैं मेरे घर आ गई। इतनी सर्दी में कहाँ की, अभी आए थे मेरे साथ में वो वही एक स्टेशन पहले उतर गए क्योंकि भाभी का पीर था वहीं पे और उनके फंक्शन है तो वो वहीं रुक गए भाई भाभी। और नेक्स्ट स्टेशन है अपना, लेकिन ये क्रॉसिंग के चक्कर में यहाँ पे रुक गई है ये ट्रेन। भाई साहब सर्दी है, ट्रैवल करना मेरे नाक गई, मुझे लग रहा है जुकाम होगा। सर्दी में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है, वो मेरे हाथ ऐसे ना ऐसे फोन वो ये वीडियो बनाने के लिए फोन में भी ऐसा हाथ है ना ऐसे ठर आ रहा है मेरा। अब भाई साहब जल्दी से ट्रेन ले चलो, मुझे घर जाना है, मेरे घर 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 घर। भाई स्टेशन पे वेट कर रहा है, मतलब मेरा भाई मुझे लेने आ रहा है स्टेशन पे। तो बस बने रही ब्लॉग पे, या की सर्दी पता नहीं ब्लॉग तो कैसे बने रहा है लेकिन सर्दी बहुत है। तो अपनी ट्रेन आवाज आ गई, अपनी ट्रेन चल गई है। इतनी हंसी इतनी खुशी, इतना सटकेड़ा चांद का ख्वाबों से चल बना आशियाना। नाक है ना ऐसे होता है ना बर्फ में जा तो नाक लाल हो जाती, भाई साहब या हनुमानगढ़ में भी लाल होगी नाक। आइए कभी हनुमानगढ़। इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों में मिलता है चल बनाए आशियाना। तो धन्यवाद गाइस, ते तार मम्मी का साल ओड ओड गमन लेने आया हो, धन्यवाद गाइस गाइस। वीडियो बंद कर दी, चालू कर दी सर में। गाइस ये छोटा हाथी घर आ चुका है, ओस बरस है। गाइस ये सर्दी में अपना काम कैसे कर बच्चों, गाइस मैं सर्दी में लग रहा है कि ऐसे ही हिमाचल हिमाचल में आ गई। गाइस सुबह उठना और ऊपर से लेगा ठंड क्या होती है। अरे भाई खोलो रे यार, ठीक करो यार, ये घर के मोड़ सूखते हैं। कोई पड़ो पड़े बेटा आगे साल में आइए।